दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक जालिम शेर रहा करता था। वो जानवरों पर बहुत जुल्म किया कर सभी जानवर उससे छिपकर रहते थे। फिर एक दिन वो सब एक जगह इकट्ठा हुए। उन सब ने अपना मशवरा सामने रखा जानवरों के। फिर एक गीदड़ ने कहा कि हम शेर के पास खुद ब खुद एक एक करके चले जाएं। फिर सभी जानवरों ने गीदड़ की बात में हामी भर दी। फिर गीदड़ शेर के पास गया। उसने शेर से कहा, शेर महाराज, हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप जंगल में ना आए, हम खुद ब खुद आपके पास आएंगे एक एक करके। फिर कभी हिरन, कभी जेब्रा, ऐसे गए ऐसे करके उसके बाद जानवर जाने लगे। फिर एक दिन बारी थी एक खरगोश की, और खरगोश बहुत ही होशियार था। फिर उसने थोड़ी शेर के पास जाने में थोड़ी सी देर की जानबूझकर। और फिर उसने शेर ने उससे कहा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम्हें आने में ज़रा सी भी देर हुई तो मैं जंगल में जाऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं शेर महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर देर नहीं की। दरअसल मुझे रास्ते में एक शेर मिला था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि हमारे महाराज बहुत ताकतवर हैं। उसने कहा, वो चूजा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसे दो पल में हरा सकता हूँ। फिर उसने कहा, शेर ने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। उसने कहा, वो फिर दोनों जंगल के बीच से एक कुएं के पास पहुँचे। खरगोश ने शेर से कहा, शेर महाराज, वो इस कुएं में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही शेर ने कुएं में देखा तो उसको अपना आप कुएं के अंदर नजर आया। उसने उसको लगा कि कुएं में एक और शेर है। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और फिर हाथ पैर कांपता रह गया, लेकिन वो निकल ना सका और वो ही अपना दम तोड़ गया। इसी तरह खरगोश ने अपनी अगर से खुद की भी हिफाजत कर ली और बाकी जानवरों की हिफाजत कर ली। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी खत्म हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी जुल्म नहीं करना। तो इसके साथ हमारी कहानी खत्म हुई। अगर आप तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के हमारी कहानी खत्म हुई। बाय बाय, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।